शामिल होने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पहुंचे हुए हैं। अजय कुमार लल्लू ने यह कहा है कि आने वाले 2022 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश की जनता ने सभी पार्टियों को मौका दिया है और इस बार जनता कांग्रेस को मौका देगी। हमारे के न्यूज के संवाददाता ने खास बातचीत करी है, वो भी सुनिए। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एक कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगी। देखिए, हमारे साथ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। राष्ट्रीय महासचिव संबोधित करेंगे, कार्यकर्ता नहीं पदाधिकारी संवाद कि हमारे ग्राम सभा हमने तो जो बहुत प्रतिज्ञा है विकास आएगा, बता दीजिए 20 लाख सरकारी रोजगार, संविदा कर्मी, अरे इनका नाम कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों के विनियमितीकरण, आंगनबाड़ी आशा को 10,000 रुपए का मानदेय, ये सारी चीजें 40% टिकटों में भागदारी, इंटर पास लड़कियों को जो है एंड्रॉइड फोन और जो ग्रेजुएशन करना लड़कियाँ उन्हें हम स्कूटी देने की कोशिश। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि जनता ने सभी सरकारों को मौका दिया है, इस वक्त जनता से कांग्रेस को मौका देना चाहती है और 2022 में कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में सरकार बननी जा रही है। अनिल मीना, केंद्रीय यूनियन प्रदेश। और खबर पीलीभीत से, जहां लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर महापंचायत